वो प्रोटेस्ट कोई एक अलहदा प्रोटेस्ट नहीं है, पीछे हो ये प्रोटेस्ट एक जो बैन कल्चर शुरू हुआ है इस देश में मोदी सरकार के आने के बाद में, उसी की कड़ी में एक और कड़ी है। हम देख रहे हैं कि बार बार, चाहे वो सिलेबस तैयार करने का मामला हो, चाहे कौन सा वीसी चुना जाएगा, किस आईआईटी में कौन सा डायरेक्टर होगा, ये डिक्टेट करते आ रहे हैं लोग, सारे मान्यताओं को छोड़ करके, सारे नॉर्म्स को छोड़ करके। और ये चीज यहाँ तक पहुंच गई है कि आज MHRD मोदी सरकार ये तय कर रहे हैं कि आप, अरे भैया ये जरा सा भाई से हो जाइए ना, अरे वहां से हट जाओ ना भाई, जरा सा पीछे हो जाओ। ये तय कर रहे हैं कि आप जो है किस विश्वविद्यालय में कौन सा छात्र संगठन क्या बोलेगा, और ये तय कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पक्ष में नहीं बोलते हैं, आप हमारे खिलाफ अगर बोलते हैं, तो हम आपके एग्जिस्टेंस पे खतरा है, हम आपको खत्म कर देंगे। लेकिन आज जब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो ये बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि IIT में सिर्फ एक संगठन नहीं बैन हुआ है, अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल बैन नहीं हुआ है, बल्कि इस देश के उन तमाम डिसेंट की आवाजों को बंद करने की कोशिश हो रही है, जो कि सत्ता के खिलाफ, जो कि शिक्षा के भगवा ग्रहण के खिलाफ, जो कि पूरा जो फासिज्म का दौर है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। और साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, आज से 2-3 दिन पहले ये किस तरह के डिसेंट की आवाजों को चुन बंद करना चाहते हैं, इसका नमूना DU में हमने देखा। DU में जब वहां पर ऐसा के लोग CBCS जो पाठ्यक्रम आ रहा है, जब बिरला अंबानी के लिए, WTO के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए तैयार किया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे थे, तो आकर के वहाँ के दूसरों के ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने हुए पदाधिकारी ऐसा के लोगों पे, हम लोगों पे हमला करते हैं और बोलते हैं कि किस कैंपस में जो चाहेंगे वही होगा, जो AVP के लोग चाहेंगे, इस देश में जो मोदी सरकार चाहेगी वही होगा। लेकिन हमने उस समय भी प्रोटेस्ट किया और आज भी प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि डिसेंट की आवाजों को रोकना न मोदी सरकार के बस में है, न AVP के बस में है। साथियों, हम यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं, यह कोई एक छात्र संगठन के लोग नहीं है, किसी एक यूनियन के लोग नहीं है, यहाँ वो तमाम लोग खड़े हैं जो इस देश में डिसेंट की आवाजों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो इस देश में विविधता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं कि शिक्षा जो होगी वो रैशनल होगी, वो लॉजिकल होगी, वो साइंटिफिक होगी, वो कोई बत्रा जी की शिक्षा नहीं होगी, जो ये बोलते हैं कि पुराने जमाने में हाथी का सिर आदमी के सिर पे और आदमी का सिर हाथी के सिर पे ट्रांसप्लांट हो जाता है, ये नहीं होगी शिक्षा, कि बोलेंगे कि जेनेटिक साइंस जो है वो कौरवों के समय में शुरू हुई थी और सारे कौरव जो है वो जेनेटिकल साइंस की देन थी। हमको शिक्षा, वो शिक्षा चाहिए जो रैशनल हो। साथियों, आज हम जब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो छात्र नहीं है लेकिन वो हमारे बीच में है, वो इस डिसेंट के आवाजों को प्रोटेक्ट करने के बीच में है। हम जब किसी भी विश्वविद्यालय की परिकल्पना करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एक रैशनल शिक्षा चाहेंगे, हम वहाँ पे एक जॉब ओरिएंटेड शिक्षा चाहेंगे। हर विश्वविद्यालय का अपना एक मंतव्य होता है, विश्वविद्यालय की परिभाषा देते हुए बोला जाता है कि विश्वविद्यालय वही है जो पूरे यूनिवर्स की विविधताओं को समेटे, जो हर चीज पे बात करे, जो रैशनल हो, जो साइंटिफिक हो। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, मोदी सरकार जब से आई है तब से वो विश्वविद्यालयों का क्या हस्त कर रही है। हम एक ताजा नमूना, अभी कुछ दिन पहले BHU में एक वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, GP त्रिपाठी, जीसी त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है और पूर्णकालिक संघ के कार्यकर्ता है, रोज शाम को हाफ पैंट पहनकर इलाहाबाद के कैंपसेस में नजर आते थे, और वो वहाँ पे जाते हैं और जाकर के क्या काम करते हैं, जाकर के बोलते हैं कि अब BHU में नॉनवेज नहीं बनेगा, BHU में नॉनवेज बैन हो जाता है। एक कन्वोकेशन होता है तो बोलते हैं कि आपको पगड़ी और धोती कुर्ता पहन करके डिग्री लेनी पड़ेगी, और वो लिया जाता है। साथियों, ये शिक्षा का हस्त किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बत्रा जी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, बोला जा रहा है कि इतिहास में हमको पढ़ना होगा क्या यही के लोग थे। साथियों, ये जो पूरी साजिश है, ये साजिश दो तरीकों से चल रही है। आज डेवलपमेंट की सच्चाई जब हमारे सामने आ चुकी है, तो विश्वविद्यालयों को एक केंद्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि मोदी की पॉलिसी को यहाँ से लेजिटिमेसी मिलेगी, प्रोफेसर बोलेंगे और लोग बोलेंगे और मोदी की नीतियों को डिफेंड करेंगे। और जो विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर रहा है, जो छात्र संगठन
ऐसा नहीं कर रहा है तब उनके ऊपर बैन कल्चर लादा जा रहा है। साथियों आज दो तरीके से, एक शिक्षा को पूरा का पूरा मार्केट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षा के भगवाकरण की साजिश चल रही है। और इसके बीच में जब भी कोई व्यक्ति आता है, तो जब भी कोई संगठन आता है, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन आता है, तो उसका भगवाकरण किया जाता है। और अगर वो करने से मना करता है तब उनके ऊपर बैन कल्चर लाया जाता है, तब उनको बैन किया जाता है। वो फिर आगे आ जाएंगे, साथियों आपसे बस एक यही अपील करते हुए कि ये लड़ाई हो सकता है लेकिन ये डिसेंट की आवाज, बहुत जरूरी थी। और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो भी हमारे साथी आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि ये लड़ाइयाँ आप इनकी फोटो लीजिए। लेकिन एक बात तो मानिए कि अच्छा दिन कोई भी पार्टी नहीं लाने वाली है, अच्छा दिन कोई भी सरकार नहीं लाने वाली है, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, हमने नमूना देख लिया है। अच्छा दिन आएंगे, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन वो अच्छा दिन हमको और आपको आके सड़क पर लेकर के छीनना पड़ेगा। याद रखिए, सड़क की लड़ाई को छोड़ करके कोई रास्ता नहीं है। और साथियों बस अंतिम बात कहते हुए, किस लड़ाइयों में जेएनयू छात्र संघ आपके साथ पूरा है, और आप जेएनयू छात्र संघ के साथ बने रहिए। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षा का भगवा करो, बंद करो।